होश में रहें, नहीं तो जिस दिन भारत का बहुसंख्यक समाज जग जाएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक मिट्टी में मिल जाएंगे। जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते कई दिनों से आतंकवादियों द्वारा श्रमिक मजदूरों की टारगेट करके हत्या कर दी जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार के भी दो मजदूरों की हत्या बीते दिनों पहले आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में कर दी, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बड़ा बयान दे दिया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुने। स्ट्राइक होगा, जरूरत पड़ेगी तो उससे भी आगे कदम उठाएगी सरकार। मजदूर के एक एक खून का बदला, खून के हर बूंद का बदला लिया जाएगा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि गोली और मैच साथ साथ नहीं चल सकता है। और होश में रहें, नहीं तो जिस दिन भारत का बहुसंख्यक समाज जग जाएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या लगता है कि हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है? निश्चित और ये हताशा का परिणाम है। भारत सरकार जो 370 और 35 से हटाई, घाटी में पर्यटक, घाटी में मजदूर, सारे लोग जा रहे थे ध्यान बांटने के लिए और आतंक फैलाने के लिए घटना की गई है। नहीं लगता जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए और होगा, भारत सरकार पर विश्वास कीजिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है और भारत सरकार जो है इसको लेकर हर एक संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा श्रमिक मजदूरों की हत्या कर दी गई, उनके एक एक खून का जो बदला है वो सरकार लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भारत सरकार से यह मांग कर दी है कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक जरूरत है, वही उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है वो भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि एक साथ गोली और मैच नहीं होना चाहिए। वही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द ही एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की ज़रूरत है। वही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से घाटी में 370 हो या 35 से हटा दिया गया है, उसके बाद जो आतंकवादी हैं वो हताश चल रहे हैं, इसलिए लगातार जो मजदूर हैं उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने केंद्र सरकार से एक बार यह भी मांग कर दी है कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक होना चाहिए, तो क्या केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार करती है या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।